आपने शायद इस पौधे को देखते ही पहचान लिया होगा। ये सदाबहार का पौधा है, जिसे इंग्लिश में पेरीविंकल या फिर विंका कहा जाता है। हमारे यहाँ पे इसे सदाबहार कहते हैं। आपके यहाँ पे अगर कुछ और कहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पौधा बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप एक गार्डनर हैं, अपने गार्डन में आप ढेर सारे फ्लावर्स के प्लांट ऐड करते हैं, तो आपने कभी ना कभी अपने गार्डन में इस पौधे को ज़रूर ऐड किया होगा। इसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन भी आते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देसी सदाबहार के बारे में। देसी यानी कि इसमें सफ़ेद और गुलाबी रंग के दो प्लांट आते हैं, दो देसी हैं। इसके अलावा जितने भी कलर ऑप्शन आते हैं वो सारे के सारे हाइब्रिड हैं। उनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात नहीं करने वाले। आप उनको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सदाबहार के औषधीय गुणों के बारे में। तो वो देसी में ही होते हैं, इनके जो हाइब्रिड वैरायटियां आती हैं उनमें औषधीय गुण नहीं होते हैं। वैसे तो ये पौधा काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, लगभग सभी गार्डनर इस पौधे के बारे में जानते हैं। फिर भी मैं आपको इस पौधे के बारे में कुछ बताता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शंस मिलते हैं। देसी मात्र दो होती हैं, सफ़ेद और गुलाबी रंग की। इस पौधे में लगभग पूरे साल आपको ढेर सारे फूल देखने को मिल जाते हैं, और शायद इसीलिए इस पौधे का नाम सदाबहार रखा गया है। तो अगर आपको अपने गार्डन में पूरे साल फूल चाहिए, वो भी बिना किसी केयर के, तब भी आप इस पौधे को अपने गार्डन में जरूर ऐड करिए, क्योंकि ये पौधा ऐसी जगहों पे उग जाया करता है जहाँ पे नॉर्मल प्लांट कोई दूसरे उग ही नहीं सकते, और वहाँ पे उग कर ये पौधा फूल भी देता रहता है। तो अगर आप इसकी हल्की फुल्की केयर कर देते हैं तो आपको पूरे साल आपको फूल देखने को अपने गार्डन में जरूर मिलेगा। इनकी जो हाइब्रिड वैरायटियां आती हैं वो थोड़ी सी नाजुक होती हैं, वो पूरे साल नहीं चल पाते, कि इनकी जो देसी वैरायटी आती है बहुत ज़्यादा हार्डी होती हैं, बड़े आराम से पूरे साल आपके गार्डन में रह लेंगी। इनके फ्लावर्स के बाद इनमें सीड पॉट बनता है, जिनसे निकलने वाले सीड से बड़े आराम से इनको आप उगा सकते हैं। इनकी कटिंग भी बरसात के महीने में लग जाया करती है, तो अगर आपको इनके बीज मिल जाते हैं तो आप इनको बीज से लगा सकते हैं, या फिर कटिंग मिल जाती है तो कटिंग से भी आप लगा सकते हैं, या फिर अगर किसी के यहाँ पे ग्राउंड स्पेस में लगा हुआ है तो वहाँ पे बारिश के दिनों में आपके ढेर सारे पेड़ इसके जगह जगह पे उगे हुए देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से उखाड़ करके भी आप इनको अपने गार्डन में लाके लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस पौधे के औषधीय गुणों के बारे में। इस पौधे का संपूर्ण पंचांग यानी कि इनके फूल, पत्ती, तना, जड़, संपूर्ण पंचांग औषधीय गुणों के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई शुगर का रोगी है, मधुमेह का कोई रोगी है, तब ये पौधा उसके लिए रामबाण होने वाला है। अगर उसका शुगर लेवल बढ़ता रहता है तब इस पौधे की 3 से 4 पत्तियां आप उसको डेली सुबह खाली पेट खिलाइए, बहुत जल्द ही उसकी शुगर लेवल काफ़ी नॉर्मल हो जाएगा। मधुमेह के कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनका शुगर लेवल बहुत तेज़ी से घटता बढ़ता रहता है, ऐसे रोगियों के लिए ये पौधा बहुत ज़्यादा कारगर है। इस पौधे के पत्तों के कुछ दिनों के प्रयोग के बाद ही उनका शुगर लेवल काफ़ी नॉर्मल रेंज में रहना प्रारंभ कर देगा। इनके पत्तों का स्वाद आपको शुरुआत में थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, इसलिए इनके पत्तों को आप बहुत देर तक चबाएं ना, मुँह में आप लें, थोड़ा सा कूचने के बाद उसे आप पानी के साथ निगल ले जाएं। आप इनके फूल का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप 2 से 3 फूल आप खाली पेट उनको भी चबा सकते हैं, या फिर आप इनके 3 से 4 पत्तों का काढ़ा बना करके उसको भी आप पी सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि आप इनके 3 से 4 पत्ते थोड़ें, सुबह खाली पेट आप पानी के साथ उनको खा लें। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो वो भी इनके पत्तों का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 3 से 4 पत्ते उनको भी खाली पेट सुबह खिला दीजिए आप, उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहना शुरू कर देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने या फिर आपके किसी जानने वाले ने इसके पत्तों का प्रयोग किया हुआ है, उनको लाभ देखने को मिला है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने एक्सपीरियंस, जिससे कमेंट पढ़ करके और लोगों को भी मदद मिल सके। आप इस पौधे के पत्तों का प्रयोग स्किन प्रॉब्लम जैसे कि फुंसी, फोड़े या फिर मुहासे की समस्या में भी कर सकते हैं। आप इसके 3 से 4 पत्तों को पीस करके जहाँ भी आपको फोड़े फुंसी हुए हैं वहाँ पे आप इसको रख दें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपको मधुमक्खी या फिर ततैया ने डंक मार दिया है, वहाँ पर आप इस पौधे के पत्ते का रस तुरंत निकाल करके रख दें, आपको काफ़ी ज़्यादा आराम देखने को मिलेगा। इस पौधे के पत्तों में फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, तो अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप इस पौधे के पत्तों का काढ़ा बनाकर कुछ दिनों तक पिएं, आपको वेट लॉस में मदद मिलेगी। किसी को हमेशा कमजोरी बनी रहती है तो आप इसके पौधों को उखाड़ लें, उनकी जड़ को साफ करके सुखा लें, आप इसका चूर बना लें, या फिर आप इनकी हरी जड़ को भी आप काट करके काढ़ा बना करके आप कुछ दिनों तक प्रयोग करें, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। इस पौधे के पत्तों के प्रयोग से दिमाग भी तेज होता है, क्योंकि इस पौधे के पत्तों के प्रयोग से दिमाग की जो सेल्स होती है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इससे आपकी याददाश्त तेज होती है, आपका दिमाग तेज होता है। कुछ नए रिसर्चों में यहाँ तक दावा किया जाता है कि इस पौधे के पत्तों
पत्तों के प्रयोग से कैंसर तक ठीक हो जाता है। होता क्या है कि इस पौधे के पत्तों के प्रयोग से जो कैंसरस सेल होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो इसके कुछ दिनों के प्रयोग के बाद अगर आपका कैंसर काफ़ी स्टार्टिंग फेज में है तो वो तक ठीक होने का दावा किया जाता है। इस पौधे के पत्तों का काढ़ा के प्रयोग से दमा के रोगियों को भी आराम मिलता है। किसी को खांसी जुकाम हो रखा है, किसी को बुखार हो रखा है, उसके लिए अगर आप काढ़ा बना रहे हैं तो उसमें उस काढ़े में इस पौधे के पत्तों को भी आप ऐड कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने एक्सपीरियंस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो कर लें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।